सो व्हाट्स अप गाइस, वेल दिस इज ध्रुव गर्ल द एकॉस्टिक बनियान। आज का हमारा जो गिटार लेसन इट इज थोड़ा थोड़ा प्यार संग बाय स्टेविन बिन। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना एंड गाने में म्यूजिक मेरे को जो है स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा पसंद आया था। सो यार इस गाने की जो है मेरे को रिक्वेस्ट कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे एंड काफ़ी टाइम से आ रहे थे, बट बाय चांस ये गाना हर बार मिस आउट हो रहा था तो मुझसे जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता था। सो आज फाइनली लेकर आ गया हूँ इसका गिटार लेसन। बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, बहुत ही सिंपल सी कॉर्ड्स के अंदर ये गाना होने वाला है। थोड़ी बहुत जो है पिच का ऊपर नीचे देखना पड़ेगा बिकॉज एक पॉइंट पे आके इसकी पिच थोड़ी सी हाई होती है, वहाँ पे मतलब मेरी वॉइस क्रैक हो गई थी, होपफुली आपकी ना हो। सो गाइज इस गाने में जो है केपो हमारा लग जाएगा फर्स्ट फ्रेट पे एंड केपो फर्स्ट फ्रेट पे लगने के बाद हमारी इसमें कुछ चुनिंदा कॉर्ड्स यानी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न की कॉर्ड्स जो है वो आपस में लग रही हैं, विच इज़ ई माइनर, ठीक है, बिकॉज गाना हमारा एफ माइनर के स्केल में है, ठीक है। सो ई माइनर इज़ द फर्स्ट कॉर्ड, देन उसके बाद हमारी आ जाती है डी मेजर, ठीक है। तो मतलब ये ई माइनर डी वी माइनर सी एंड जी का एक बहुत ही कॉमन पैटर्न चलता है वैसे गिटार में। सो वही पैटर्न सेम मतलब वही कॉर्ड्स को ये जो है आज इस गाने में हम यूज़ करने वाले हैं। सो ई माइनर डी मेजर बी माइनर थर्ड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड हमारी रहती है सी मेजर एंड फिफ्थ वन इज जी मेजर। सो हमारी ओवरऑल अगर हम देखें सो क्या कह रहा है, जी ई माइनर सी डी एंड बी माइनर ये हमारी कॉर्ड्स इस गाने के अंदर यूज़ होने वाली है। जी का यूज़ थोड़ा सा कम है, ज़्यादातर इसमें ई माइनर बी माइनर एंड सी एंड डी ये जो हैं चार कॉर्ड्स ज़्यादा चलती है, जी का यूज़ थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो अभी फिलहाल गाना शुरू कर लेते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया, तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास यही, अब मुझको मेरा एहसास नहीं, दिल कहता है बस मुझे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा बेकरार हुआ तुमसे, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा बेकरार हुआ तुमसे, के ज़्यादा भी होगा तुम्हें से, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। सो गाइस गाने का एक स्ट्रैक देखो मैंने आपको अभी सुनाया पूरा, अब जो है हमारी इसके आ जाता है सॉन्ग पार्ट। सो हमारा गाना शुरू होता है ई माइनर बिकॉज एफ माइनर के स्केल से जैसे मैंने कहा था आपको गाना है। सो हमारी फर्स्ट कॉर्ड रहती है ई माइनर, स्ट्रमिंग में आपको इसकी थोड़ी जो है साथ साथ बताता रहूँगा। एंड हाँ बाय द वे मैं कवर अप करना भूल गया ये चीज़ कि अगर आपको मेरा माइक गिटार या कोई भी इक्विपमेंट मेरा देखना है कि कैसे मैं क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, सो नीचे अमेजोन लिंक का डिस्क्रिप्शन, अमेजोन स्टोर का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके देख लीजिएगा बिकॉज मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं और रहे हैं आजकल कि मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा गिटार यूज़ कर रहा हूँ, ये यामा F280 है, यामा F310 है, कौन सा है, ये सब मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो उसी चीज़ के लिए मैंने अमेजोन स्टोर का लिंक अपनी हर वीडियो में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सो उसको चेक कर लेना। सो अभी आ जाते हैं गाने पर। सो हमारी फर्स्ट कॉर्ड रहती है ई माइनर, तेरी नजर ने क्या, बी माइनर कर दिया, सी मेजर। सो ई माइनर बी माइनर सी की जो है हमारी फर्स्ट लाइन होती है और इसको हम तीन चार बार रिपीट करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ देखो जो बी माइनर सी की स्विचिंग है वो थोड़ी सी क्विक है, अगर आप उसको ध्यान से दो, फिर से एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ध्यान देने इस बार। तेरी नजर ने क्या कर दिया, रिपीट, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। यहाँ पे मैं जो स्ट्रमिंग यूज़ कर रहा हूँ या फिर ले रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डाउन्स को ले रहा हूँ हल्का सा एंड एक नीचे से अप का जो है एक सिंगल से स्ट्रोक दे रहा हूँ। सो ये आरपेजियोस या स्लो कॉर्ड्स में जो है मैं प्ले कर रहा हूँ। सो ये हमारी कॉर्ड्स रिपीट होंगी, तेरी नजर ने क्या कर दिया,
मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं। अब जो मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं वो आएगा जी एंड डी। कैसे? मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, ठीक है। सो अब मुझको मेरा सी मेजर एहसास नहीं, सी डी। सो जी डी सी डी, ये हमारी दो लाइंस रही। दिल कहता है बस मुझे, ई माइनर बी माइनर, दोनों माइनर्स को एक साथ यूज करना है। दिल कहता है बस मुझे। अब जो है ना, इस पूरे गाने में सिर्फ यहीं तक स्लो स्ट्रमिंग थी कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। ये जो थी एक हल्की सी ट्रांजिशन थी। मैं अपनी हर वीडियो में बताते हूँ जब भी ट्रांजिशन यूज करता हूँ कि ट्रांजिशन इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। यानी जब केक बन जाता है उसके बाद जो क्रीम वाला काम होता है वो काम ट्रांजिशंस करती है, अगर आप इसमें परफेक्ट नहीं हो। सो जस्ट कीप इट सिंपल, अभी सिंपल प्ले करो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ट्रांजिशंस पे आना। अभी मत करो, पहले केक को बनाओ उसके बाद उस क्रीम को लगाना, ठीक है। सो आइसिंग बाद में करेंगे, पहले गाने को सीखेंगे। ये ट्रांजिशन वैसे मैं सिखा देता हूँ। इसका क्या था, मैंने बी माइनर पेंट करा। कहता है बस मुझे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, ठीक है। ये चीज़ कर रहा था मैं कि मैं सिर्फ डाउन अप जे के थोड़ा सा इसको फिल कर रहा था। अब जो है एक बार इसकी स्ट्रमिंग देख लेते क्या बन रही है। के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक। ओके, सो ये हमारी स्ट्रमिंग रही। हमारी स्ट्रमिंग क्या रही, डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक डाउन अप चक। यानी डाउन देखिए एक छोटा सा ब्रेक और अप चक एकदम से, देन डाउन देन अप चक एकदम से, ठीक है। सो ये हमारी रहेगी स्ट्रमिंग। सो यहाँ पे क्या रहा, सी एंड डी का जो है रिपीट चलेगा, मतलब सी डी सी डी सी डी हमारी जो है कोरस में चलती है। सो कहता है बस मुझे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ। सी डी अगेन, तुमसे के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। ये सी डी सी डी सी डी सी डी, चार बार सी डी चला। के ज्यादा भी होगा, यहाँ पे जी मेजर, तुम ही से, डी मेजर पे ही एंड होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के ज्यादा बी वाली लाइन पर जी मेजर आ जाएगी। के ज्यादा भी होगा से, रिपीट के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, ठीक है। ये हमारा रहा अभी तक का पूरा पार्ट, यानी हाफ पार्ट गाने का। अगला आ जाता है इसका स्टैंजा, उस पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन कोरस जो हमने कवर अप करी वो क्या थी, सी डी सी डी सी डी सी डी पूरी जो है, चार बार सी डी प्ले हुई एंड एंड में जी एंड डी का प्ले हो गया पैटर्न, मतलब पैटर्न नहीं, एक लाइन पूरी जी और डी की प्ले हुई, देन अगेन सी डी सी डी। ये हमारा रहा कोरस पार्ट। अब यार आ जाते हैं इसके स्टैंजा पार्ट पे, तो उसको देख लेते हैं अब। सो गाइस, कमिंग टू दी स्टैंजा पार्ट, स्टैंजा के अंदर हमारा एक पैटर्न चलता है जो कि दो बार रिपीट होगा। सो इट इज जी डी सी डी ई माइनर, ठीक है। कैसे, जी मेजर डी मेजर सी मेजर डी मेजर एंड ई माइनर पे एंड। सो ये हमारी क्या लाइंस रहेंगी, एक बार इस पे नजर डाल लेते हैं। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, जी एंड डी। अब देखे बिन, सी मेजर। तुझे ना गुजारा हो मेरा, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से। अब देखे बिन, सी। तुझे ना गुजारा, डी मेजर हो मेरा ई माइनर। सो सी डी ई माइनर पूरा कैसे होगा प्ले वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये रिपीट होता है। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। अब देखे बिन तुझे सी मेजर पे, ना गुजारा डी मेजर हो मेरा ई माइनर, उससे पहले जी डी देन सी डी एंड देन ई माइनर, ठीक है। मेरी, फिर से रिपीट करके एक बार लास्ट। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, जी डी। अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा,
अब यहाँ पे जो है ये पार्ट आएगा जो इस गाने का सबसे ज्यादा ही है, लेकिन मैं इसको लोअर ऑक्टेव में गाऊंगा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना। देखो यार हमारी स्ट्रमिंग वही चलती रहेगी डाउन अप चेक वाली, लेकिन मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करके पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उस वजह से सिर्फ आपको अभी डाउन स्ट्रम्स में सिखा रहा हूँ। सो मैं सांस सी मेजर भी लूं तुझे चाहे बिना, डी मेजर, अब होगा ना, ई माइनर, ये हमसे, बी माइनर, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, यानी सी डी सी डी सी डी एंड जी डी, के ज्यादा भी होगा तुम्हें से, ये जो मतलब म्यूजिक पार्ट आता है ई माइनर डी पर होता है, अगर इसको डालना चाहो तो ऑप्शनल है, बीच में भी स्टैंजा के जो डल जाता है, बट ऑप्शनल है जैसा मैंने कहा ई माइनर डी का। बाकी का गाना और कुछ नहीं है, बाकी का गाना यही है, सी डी सी डी सी डी पर ही हमारा करता हुआ और जी डी करते हुए पूरा कोरस जो है पार्ट खत्म हो जाता है और हमारा गाना भी। देखो इस गाने में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टार्टिंग का पार्ट आपको बस देखना पड़ेगा हल्का सा, जो इंट्रो पार्ट है, इंट्रो पार्ट के बाद आपका कोरस पार्ट आता है जो कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सी डी सी डी सी डी एंड जी डी कवर कर लेता है, एंड इसके बाद आपका बस स्टैंजा जो कि एक रिपीटेड पैटर्न है जी डी सी डी एंड ई माइनर, जी डी सी डी एंड ई माइनर, और उसके बाद एंड में आपका मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, सी डी, ना होगा ना ये हमसे, के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ, ठीक है। सो ई माइनर बी माइनर पे वो भी एंड हो जाता है, सी डी ई माइनर बी माइनर पे हमारा स्टैंजा एंड हो जाता है, और उसके बाद के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे वाली लाइन, ये पूरी सी डी सी डी सी डी जी डी, ये हमारी ऐसे चल के पूरा गाना खत्म हो जाता है। सो गाइस गाना हमारा कुछ नहीं, बस इतना सही था, काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल हमारा गिटार लेसन था, थोड़ा थोड़ा प्यार बाय स्टेप इन बेन। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जैसे स्टार्टिंग में गया था वही बात है यार कि इस गाने की रिक्वेस्ट बहुत बार आ चुकी थी, इस गाने का प्लान बहुत बार कर चुका था, लेकिन बाय चांस होता था कि जब भी यहाँ पे शूट करने बैठो और सोचो कि कौन सा आज शूट करना है तो ये रह जाता था। सो आज फाइनली ये जो है गिटार का लेसन आ चुका है, सॉरी इस गाने का लेसन आ चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, सो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियोस, कवर्स, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको देखने को जल्द से जल्द मिलते रहे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो डालती चुटकी में आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द, टिल देन बाय बाय।